पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मझूला के नया मुरादाबाद निवासी कार चालक राम रतन की हत्या तीन बदमाशों ने कार लूटने के लिए की थी। पुलिस ने मंगलवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। बिजनौर निवासी मुख्य आरोपी अभय बिश्नोई को अपनी प्रेमिका से मिलने बागपत जाना था, इसीलिए उसने अपने दो अन्य साथियों के साथ साजिश रचकर मुरादाबाद के इम्पीरियल तिराहा स्थित टैक्सी स्टैंड से राम रतन की कार बुक कराई थी। बिलारी में ले जाकर तालाब में डुबो कर उसकी हत्या करने के बाद कार लूट कर भाग गए थे। SSP हेमराज मीणा ने बताया कि कोतवाली के इम्पीरियल तिराहा टैक्सी स्टैंड से 2 मार्च की सुबह करीब 5 बजे तीन युवक राम रतन की कार को करा कर ले गए थे। इसके बाद से राम रतन लापता था। देखिए, एक डेड बॉडी थाना बिलारी में 5 तारीख को मिली थी और बाद में उसका जब PM कराया गया तो 8 तारीख को जब इसका PM हुआ उसके बाद में उसकी पहचान हुई, तो पहचान जिस व्यक्ति की हुई वो कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और उसी पर हम लोगों ने जब आगे इसमें काम किया तो ये जानकारी मिली कि जो मृतक है उसको 2 तारीख को कुछ लोगों ने उससे जो उनकी गाड़ी है उसको किराए पर लिया और उसको किराए पर ले जाने के दौरान फिर वो कहीं उसको ऐसी जगह ले जाना चाह रहे थे जहाँ पर वो जाना नहीं चाह रहा था और इसी में आपस में झगड़ा हुआ और उसके बाद में इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी और उसकी हत्या करके अब बिलारी में इसको ले गए और वहाँ पे एक तालाब में इसकी डेड बॉडी उसको फेंक दिया। 5 तारीख को जब डेड बॉडी मिली उसके बाद में PM कराया गया तब ये जानकारी हुई कि जो व्यक्ति है ये थाना कोतवाली के रहने वाले हैं और इसको जो तीन लोगों ने जो ले गए थे उनमें एक अभय बिश्नोई है जो थाना सिहोरा जनपद बिजनौर के रहने वाले हैं, दूसरे दीप बिश्नोई हैं ये भी सिहोरा जनपद बिजनौर के रहने वाले हैं और एक मधुर चौधरी हैं जो कि थाना बिलारी के रहने वाले हैं। तीनों दोस्त हैं और तीनों दोस्त कहीं किसी लड़की से मिलने जा रहे थे और वहीं पे जो गाड़ी के जो ड्राइवर हैं उन ऑनर थे उनके द्वारा मना किया गया और इसी पे इनमें झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद में लोगों के द्वारा इनकी हत्या कर दी और इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया। तो अभी इन लोगों को तीनों को आज गिरफ्तार किया गया। तीनों के पास से एक 315 बोर का तमंचा और कुछ कारतूस मिले हैं, इसके अलावा एक 12 बोर का जो तमंचा है वो मिला है और जो गाड़ी जो लूटी गई थी वो गाड़ी की भी बरामदगी की गई है। गाड़ी वर्तमान में ये अमरोहा जो कोतवाली है उस बेयात कोतवाली वहाँ पे ये गाड़ी बरामद हुई थी तो वहाँ पे अभी इसको वहाँ सीज किया गया है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।